जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। अब देख सकते हो ये हमारे पास बॉक्स है जो कि फुल सील पैक्ड है, तो इसको हम लोग अभी खोलेंगे और इसके अंदर सोप डिस्पेंसर जो होता है जो किचन और बाथरूम वगैरह में यूज होता है उसको हम लोग अनबॉक्स करके देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इसको फिटिंग कैसा करते हैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इसको अभी ओपन कर लिया है और आप देख सकते हो इसको यहाँ पे लिखा है टच सोप डिस्पेंसर। तो इसको हम लोग निकालते हैं ये बॉक्स को, ये बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है दोस्तों। आप ये देख सकते हो यहाँ पे पीछे भी इसका कुछ स्पेसिफिकेशन और डिटेल वगैरह लिखा है। चलिए इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं यहाँ से। और क्या है इसमें, इसमें स्क्रू दिया है दोस्तों। ये हमारा सोप डिस्पेंसर, प्लास्टिक को हटाते इससे पहले ये इसको हम लोग को इस तरीके से निकालना होगा। उसके बाद में ये प्लास्टिक को साइड में रखते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हो ये जो आपको ट्रांसपेरेंट का कंपार्टमेंट दिख रहा है वो ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक का है, बट उसकी प्लास्टिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बट अगर ये आपके हाथ से नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें लिक्विड जाने के बाद में इसको जब आप लॉक कर दोगे यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। इसको इस तरीके से प्रेस करोगे तो यहाँ से जो लिक्विड है हैंड वॉश का वो यहाँ से बाहर आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग के इसको आपको किस तरीके से हैंग करना है। तो आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। हमको इसके साथ में दो स्क्रू मिलता है और ये जो पट्टी देख रहे हो दोस्तों आप, दो उसमें दो होल है और इस स्क्रू की मदद से हम दीवार में ड्रिल करके इसको इस एक यहाँ पे और ये पट्टी को अटैच करके और ये जो डिस्पेंसर है इसको यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, इसको इस तरीके से डाउन पुश करना पड़ेगा तो ये फिक्स हो जाएगा और ये हिलेगा भी नहीं दोस्तों। और अगर आपको इसको निकालना है तो सिंपली आपको इसको ऊपर साइड पुश करना है तो ये निकल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लेंथ की और विड्थ की, ताकि आपको इसको फिक्स करने के टाइम पे आपको एक जजमेंट मिल जाए कि ये कितना इसकी हाइट है और चौड़ाई है। तो हमारे पास मेजरिंग टेप है दोस्तों, अभी हम लोग इसको आपके सामने लाइव इसका साइज़ देखेंगे। इसका साइज़ है 8.5 इंचेस इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 3 इंच की इसकी लेंथ है और ये जो पट्टी है इसकी भी 8 इंच की लेंथ है और विड्थ है इसकी 2.5 इंच की विड्थ है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ किस हिसाब से सेट करना है। तो दोस्तों ये था सोप डिस्पेंसर लिक्विड का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।